top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. Sir, मेरे साथ हुआ कि मेरे मकान मालिक की वाईफाई लाली दे दी. उसने मेरे से बहला के मेरे पैसे लिया एक महीने की करार करके. उसने मेरे अभी 9-10 महीने होने चले, मुझे पैसा वापस नहीं दिया. जब मैं पैसे मांगी तो मुझे मारपीट करना स्टार्ट कर दिया. अपनी भुजाई को लेकर आती थी, जो उसकी भुजाई फ्रॉड भुजाई को लेकर आई. 2-4 दिन गाली वाली कमरे पे आके दी. उसके बाद फिर हम उसके ससुर को लाई और डंडा लेके मारने के लिए. मैंने हमेशा थाने में इंफॉर्मेशन चौकी पे देते रहे, लेकिन मेरी हेल्प नहीं हो रही वहाँ कहीं से भी. एक पुलिस की कार्रवाई, क्या एप्लीकेशन जो मैं देती हूँ उसमें रिसीविंग भी नहीं दिया जाता, एप्लीकेशन भी नहीं लिया जाता, उल्टी हमें ही डांट कर उन लोग भगा देते हैं. आपका हाथ टूटा? ये हाथ टूटा लाली देवी, पहले वो लाली देवी, उसकी भाभी और उसके 3 लड़कियाँ और उसका किरायेदार और इस पे भी. वो लोग सब मिल के थाना गई थी. थाने जाके उन लोग आपस में क्या बात हुआ मैं नहीं बता सकती. उसके बाद चौकी इंचार्ज शिव प्रकाश और आसिम जी, ये दोनों आए मेरे कमरे पे. जब मैं बच्चों को खाना लगा रही थी, उसमें आकर मेरे से, जब मैं गई हाथ धोने के लिए टोटी पे, तो देखे ये दोनों आ रहे हैं. हम बोले सर कैसे आना हुआ, तो उन्होंने ये बोला कि मैं इंक्वायरी में आए. उस वक्त टाइम हो रहा था 10:20 हो रहा था. तो मैं बोली काहे का इंक्वायरी, तो बोल रहा है मुझे आदेश मिला है इंक्वायरी का, मैं अपना काम करने आया. मैं निकल गई, खाना जो भी बच्चे के लगे हुए थे मैंने टेबल के अंदर कर दिया. उसके बाद मैं बच्चों को निकाल लिया, मैं निकल गई, मेरे हस्बैंड भी थे, हम लोग बाहर हो गए. मैं ले सकते हैं इंक्वायरी में, तो कोई चोरी नहीं करती, कोई गलत नहीं, आप इंक्वायरी ले सकते हैं. और ऐसे लड़ाई छुड़ाया है. और छुटाने के बाद फिर बोले कि चलो PCR, जबकि मेरी नाक से ब्लड गिर रही थी, यहाँ भी कटे उठे थे सारे, मतलब ब्लड से बहुत ज्यादा हम भींगे हुए थे. सर भी लगा हुआ था, सर में बहुत चोट थी और फटे हुए भी थे. लेकिन उन्होंने मुझे पकड़ के उसके बाद बोले कि PCR में बैठो. PCR में बैठा है बच्चों लेके. मुझे लगा कि चौकी पे ले जाएंगे, एप्लीकेशन वगैरह लिखाए खाएंगे. मैं बैठ गई, मुझे उतना भी हम, फिर उन लोग को भी बैठा है. रास्ते में आके गाड़ी रोक के उन्होंने कहने लगे ऐसा गाड़ी से उतरो. बोले सर रास्ते में मैं गाड़ी से क्यों उतरू. तो बोलने लगे उतरो, तुम्हें बोल रहे हो ना जो बोला जा रहा है उतना ही करो. मुझे डांट दिए, मैं डर गई और उतर गई बच्चे लेकर. उन्होंने बहुत गंदी रंडी वंडी बोला मुझे, बहुत गंदी गंदी गाली उन्होंने देना, जो माँ लगा के बहन लगा के लड़की यार मैं बेटी, मुझे ढंग से उन्होंने गाली दिया. उसके बाद बोले सर आप गाली क्यों दे रहे हो. उन्होंने मुझे चाटा मार दिया, 2-3 चाटे उन्होंने बहुत बुरे ढंग से मुझे मारा. फिर मैं शांत हो गई. उसके बाद फिर कह रहे हैं जयचंद की वाइफ और सरहद के साथ, अजी अब तो आप लोग खुश हो ना, तो कह रही है हाँ. तो बोल रहे हैं हम हैं किसके लिए, आप ही के लिए तो हैं. ये गाड़ी में बैठा के उसके बाद महिला थाने में ला के हमें रात भर बंद कर दिया गया. मेरे हस्बैंड बोलते भी रहे कि मेडिसिन इसको दिलवाने दीजिए सर, नाक से ब्लड गिर रही है. बोले कोई नहीं, वहाँ पर मैडम लोग देख लेगी कर लेगी, काम हमारे लगा मुझे बंद कर. ऐसा है कि ये महिला सीता लगभग से 1-1.5 महीने से हमारे यहाँ आ रही है और बच्चों को भी लाते हैं सुबह शाम, और इसको बुरी तरह मारा पीटा गया है. मैं पैसों की बात नहीं जानती हूँ, लेकिन इसको मारा पीटा गया, इसका हाथ तोड़ दिया गया. उसके बाद जब थाने गई वहाँ का जो चौकी इंचार्ज, तो उसने भी इसको पीटा और जेल में रखा. और इसके मुंह पे बहुत दिन तक चेहरे पे उसके मारने के दाग थे, अभी भी आप देख सकते हैं कि उसके चेहरे पे दाग है. और ये धमकाया जाता है, इस बाथरूम में नहाती है तो बाथरूम में वो झांकता है जो जयता चंद भाटी है, और औरतों के साथ बदतमीजी करता है. और तब जाके इसको फिर भी कहता है कि मैं तुमको और तुम्हारे बच्चों को भी रेप करूंगा, 3-4 गुंडों को लेके आया. तो हम लोग गांव में सब तहकीकात कर चुके हैं. वो जयचंद भाटी 1 नंबर का क्रिमिनल और घटिया आदमी है, जो कई शादियां करके और औरतों को बेचता है. उसकी पत्नी जो है अनाथ हुए बच्चों को उठा के बेच दिया उसने. तो ऐसे आदमी का अगर पुलिस पक्ष लेती है और इस तरह से क्राइम बढ़ता रहेगा, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी है कि कमजोर को दबाते जाओ पीटते जाओ, और वो गालियां भी आपने देखी होगी कि आए दिन देता है, उसको धमकाता है कि तुझे जान से मार दूंगा, तो पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं करेगी. तो इसके लिए ही हम आए हैं, एक महिला की सुरक्षा के लिए और पुलिस के कर्तव्यों की याद दिलाने के लिए. जयचंद भाटी
सभी लोग उसके बारे में बोलते हैं, लेकिन कोई कदम क्यों नहीं उठाते। बहन जी एक बात तो बताओ, आप बहन जी किसी तरह कैसे आदमी इज्जतदार बहन जी अब यहाँ लगाओ गांव में बहन जी थोड़े से नहीं मरना गिरना एक तरफ हो जाता चुनाव इज्जत पुलिस का गांव के लोगों पर इतना दबाव था तो इसका हाल पुलिस और नहीं तो पुलिस इसको आगे थप्पड़ मार के उनको कह रही थी मैंने अच्छा किया। ये बात इन्होंने कभी नहीं बताई थी, ये बात तुमने मुझे कभी नहीं बताई। अच्छा बहन जी पुलिस का दबाव उन पे 151 पुलिस ने करी उनके साथ उसकी बीच आप बता रहा हूँ मेरी बहन जी से बात हुई थी उससे भी पागल है हम कोई जेल जितना मेरा उनसे झगड़ा हुआ है ये बात सब बताने की नहीं उनके घर में पूछो उनको गाड़ी में गिरवा लिया उनको गैर मुझे भी बोला था बहुत आप मेरी बहन मैं आप मैं कोर्ट में वो मैं करूंगा कार्रवाई लेकिन आप ये मतलब नहीं करवा सकते फालतू बोलो कानून नहीं जानते आप एक मिनट आप बहुत कानून जानते जाइए कोर्ट में खड़े होकर 70,000 रुपए दिलवाइए इसके जाइए कहिए ना तो प्रतिक्रिया जानते हो नहीं कुछ बात करते सर 70,000 की बात छोड़िए हम ये कह रहे हैं कि हम रिटर्न एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं आप जो देना दीजिए मैं जांच कराऊं इसमें कोई बात नहीं जो करना आप रिटर्न में दीजिए मुझे मैं ये मेरा काम है दोनों चीज हो गई मार्केट से करिए बदतमीजी की आप लिखे दीजिए मैं दरवाजे को अगर बात सही तो बताइए Thank you.